दोस्तों हमारे पास एक एयर कंडीशनर आया है और इसकी प्रॉब्लम यह है कि चूहों ने चारों तरफ से काट दिया है, पूरे में घुस जाते हैं। आगे का हिस्सा खुला होता है, वहाँ से घुस के पूरा एसी काट डाला है। तो आपको दिखाएंगे इसको कैसे ठीक होता है और कैसे चालू करेंगे। एसी कोई सस्ता तो आता नहीं है, 25-30 हज़ार रुपये से कम नहीं आता, इसलिए हम इसको दोबारा से ठीक करेंगे। दोस्तों ये वाली बोतल है और इसको हमें मार्केट से ख़रीद के लाना है, उसके बाद हल्का सा हिलाकर और इसको यूज करना है। तो देखिए ये बिल्कुल छेद हो गया है। इसकी जो हवा थी ना एसी की, तो कूलिंग कॉइल से नहीं खींच पा रहा था, तो दाएं बाएं से खींचता था तो इसमें कूलिंग नहीं आती थी। तो अगर छेद हो जाएंगे तो हवा प्रॉपर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने इसको ना ये अपना जुगाड़ सोचा और ये ढूंढा मार्केट में, इसको हमने एसी को पुनः जीवन दिया है। तो आप देखिए इसको इस तरह के से डालकर और इसको चारों तरफ भर देना। आपके पास अगर आरी का ब्लेड हो आधा कटा हुआ तो उससे ऐसे करके दबा दो हल्के हल्के। वैसे तो ये अभी थोड़ी देर में ऊपर को फैलता है, क्योंकि ये जो जगह होती है तो उसको कवर करता है। तो ये फूल के अभी बाहर को आएगा, फिर इसको अपना आरी के ब्लेड से, ये देखिए दोस्तों ये बाहर आने लगा है, तो अभी इससे भी ज़्यादा आएगा। फिर हम इसको आरी से कट कर देंगे, आरी से या चाकू से, किसी की मदद से आप इसको काट सकते हैं। दोस्तों देखो ये अंदर की साइड भी है ना, ये तो फूल के ऊपर हो गया है। तो जब फूल के ऊपर हो जाए तो इसको अंदर से काट दें और हम आपको दिखाते हैं अंदर की साइड भी चूहों ने पूरा काट दिया है, ये देखिए। तो हम इसमें ना इसको भी रिपेयर करते हैं। ये देखो हमने इसको भर दिया है और आरी की ब्लेड से हल्के से अंदर को दबा देंगे। और ये वैसे हाथों में चिपकता है, तो आप हो सके दस्ताने पहन के आप इसको यूज करें, नहीं तो हाथ दो। हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।